शरीर तो पूरा आसमान से ऐसा लग रहा था, इसीलिए सुबह सुबह ब्रश करके पहले नहा लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी गुड मॉर्निंग, सुहार प्रणाम, और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों अभी नहा धोकर फ्रेश हो चुके हैं, क्योंकि अभी जाना है। आज स्पेशल डे है, स्पेशल डे इसलिए है क्योंकि दीदी आ रही है, सावित्री दी और जीजाजी आ रहे हैं, तो उन्हीं को अभी रिसीव करने जाना है हमें। और हम पत्नी जी भी बेचारे थोड़ा सा अभी टुनमुना रहे, कल खाना फिर से खाया, बोबेंडिंग हो गया, इसका दवा जितना था सब निकल गया। अब जो दवाई खाया है, अब डॉक्टर बोलेगा कि दवाई दिए हैं वो खाइएगा, अब खाएगा कहाँ से। मेरा उस दिन पता है हॉस्पिटल में हड्डी क्यों रुका था, क्योंकि इंजेक्शन दिया था, दवाई नहीं दिया था खाने, कोई भी दवाई उतना। अरे तो उसी में सब किया हुआ था पगली, तो उसी कारण ये चीज अभी स्टॉक था। आज फिर इधर से आई और रात को बोबेंडिंग करके जितना भी खाई थी सब इसका बाहर निकल गया। चलो अभी रेडी हो लेते हैं और जाते दीदी को रिसीव करने के लिए। तुम नहीं, तुम मत जाना, तुम गरीब रहना। हाँ तुम नहा लो, सो सही है। नहीं गाड़ी में चढ़ा और फिर तेरा पोमेंडिंग शुरू हो जाएगा। इधर देखिए ट्रेन पहुंचने वाली, जस्ट दीदी का सावित्री दीदी जस्ट पहुंचने वाले, और कुछ मतलब बोल सकते हैं किलोमीटर बाकी है, यहाँ से आपका 20 किलोमीटर और बाकी है दीदी का, तो 20 किलोमीटर तब तक तो गाड़ी पहुंचते पहुंचते हम लोग गाड़ी अपना लेके अभी स्टेशन पहुंच जाएंगे। चलो अभी चलते स्टेशन ही, तो दीदी का वहीं जाके वेट करते हैं। दीदी तो ऐसे हमको आने मना कर रही, बोले तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तुम मत आओ, हम लोग ऑटो से आ जाएंगे। तो नहीं अभी मेरा थोड़ा सा ठीक है पहले से, तो आराम से जाके आ सकते हैं। लेके हम लोग सभी निकल चुके हैं, अभी बस दीदी का पहुंचने वाला 8:35 को पहुंचेगा, 30:35 में, और होने वाला टाइम अगर 8:18 हो ही है, मतलब पहुंच ही गया होगा। हम लोग का गाड़ी खड़ा होगी और जैसे उतरेंगे स्टेशन पहुंचेंगे, हमको लग रहा है वो लोग भी उतर जाएगा तब तक। वही बात, दोनों का शर्ट हम लोग एक ही जैसा नहीं लग रहा है, मैच हो गया, सेम टू सेम, देख रहे कलर वाला एक ही है, थोड़ा सा मतलब चेक टाइम मेरा ज्यादा है, मेरा वाला डार्क मेरा है, आपका कलर चला गया, मेरा भी चला गया कलर, एक बार पहने ही है, एक ही बार में चला गया, एक बार पहने। हाँ तो अभी चलो दीदी को चलते हैं, रिसीव करते हैं, देखते हैं लोग कैसे लोग। अभी तक थोड़ा सा आधा घंटा लेट हुए, क्योंकि 8:05 या 1 में पहुंचने वाला था, लेकिन 8:35 में दिखा रहे, तो वही आधा घंटा लेट हुआ, शायद आ गया होगा, शायद लेके जाने के बाद पता चला। स्टेशन तो पहुँच हो गया, चलिए गाड़ी रोड के इधर साइड ही लगा दिए, क्योंकि उधर अंदर जाएगा नहीं, इसीलिए भैया दीदी को फाइंड कर रहे हैं। कहाँ पे दीदी देखी कहीं ट्रेन वही वाला वही ट्रेन है तो 35 में दिखा रहा था, नहीं उतर गया, 21 में ही हो गया। सुनिए ना एक बार फोन कीजिए ना, गेट नंबर 1 पे खड़ा था, गेट नंबर 2 पे खड़ी है। क्या हो गया, गुच्छा बर्थडे एक पीस मिल रहा है। फाइव में निकालो
बहुत दिनों के बाद फिर से आर्यन चला रहा है। क्यों बोलो ना, जोर का झटका आई जोरों से लगा। कोई चीज आज बैठा बैठ चलते हैं अब डायरेक्ट अपने रूम की ओर। लेकिन एक चीज नोटिस कर रहे हैं हम, हाँ। जब से आप लोग आए तब से भैया का मुस्कान थोड़ा बढ़ गया। सुबह से मतलब डाउन था, हाँ। पूरा डाउन था, इसका तबीयत खराब था ना। देखिए अभी दांत वगैरह पूरा दिख रहा है पीला पीला। वो तो रहेगा, वही समझ सकता है कि अंदर क्या बीत रहा है। इधर से आगे हम लोग सब्जी लेने के लिए, पूरे सब्जी वब्जी ले लेते हैं अभी घर के लिए। बुरा बड़ा दिया ना थोड़ा अपने बात। हां बुरा बड़ा दिया ना तो मैं दबाज ते ले ले देखी देखी ले ले मैं यार करंट मार रहा है इसमें। लेकिन ए दियल बजा रहा है उसने, वहां घर करो ले जाओ हमको तो लग रहा है। अच्छा 2 किलो ले लिया। देखो टी टी लेकिन 2 किलो का कुछ नहीं खाते। क्या खाने का मन कर रहा है बताने का? नहीं खाना उल्टा फुल्टा नहीं खाना। नहीं खाने का मन क्या क्या कर रहा है वो बता दो। खाने का बहुत मन कर रहा है, कंट्रोल कर रहे हैं। फाइनली अभी सभी हम लोग रूम आ चुके हैं। सब्जी वगैरह जितना था हद रख दी, बोले सब्जी था मतलब कम था इसलिए बोले ले आए एक ही बार में। अभी दीदी जितना देर रहेगा आराम से, और कुछ ज्यादा सब्जी ले आए क्योंकि घर ले जाएंगे, कुछ घर ले जाएंगे, वहाँ भी सब्जी नहीं है इसीलिए। चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं पहले। कैसा लग रहा है? झूठ बोले वो बंदे बोले उल्टी जैसा लग रहा है। लेट हुआ था कुछ खाया खा लेने दे। रोटी अपार रोटी खाई दीदी। हां स्टे दही खाना जमाई का अच्छा जगह रख दही के बिना राखी दे दो। प्रणाम दीदी। खुला वातावरण में मतलब सब करते हैं, है कि नहीं? खुला खुला लगे शरीर खुला हो मतलब सब नहीं बोल रहे कि ऐसे होता है वैसे होता है। रास्ता में दिखा 10 आदमी बैठा हुआ तो बोला ये भी होता है गांव में। बोलते ना कि हम मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ पे हमारा उस तरह हो जाता है पटरी के बगल बगल में। तो ये चीज तो दोस्तों हंसी मजाक इस तरह से तो अभी होती रहेगी। दीदी अभी आई हुई है तो अभी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, फ्रेश वेश हो लेती है, फिर अभी खाना ना खाएंगे, फिर देखते हैं अभी जाएंगे गाँव, पापा लोग से भी वहाँ मिलना है। और चलो अभी दीदी तो आई अभी स्पेशल राखी के लिए, राखी स्पेशल तो अभी इतना देर तक नहीं। दोस्तों ये गलत बात है, राखी हमारी 31 को है और मैं आज कितना हो रही है 27 और मैं 25 को गाड़ी में चढ़ी। मैं एक्चुअली भाई और अंजलि को देखने के लिए आई हूँ, पहले तो ये मना किया ठीक है, और मैं अंदर से टूट गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि ये मेरे जैसे ही आपको रोना कभी देख ही नहीं सकते। मना नहीं किया, झूठ मूठ का बोले पर ऊपर से मना किया, लेकिन ट्रेन की टिकट करके रख दी थी हमको लगा नहीं किया है। हां तो वैसे ही है दीदी, मतलब इसीलिए सॉरी उसके लिए। कभी आई होते वही थोड़ा सा तबीयत सबका डाउन चल रहा है, देख ही रहे हैं। रक्षाबंधन मेरा भी है, अंजलि का भी है, उसका आशीर्वाद सदैव भाई के साथ रहता है। अगर नहीं भी कोई पहुंच पाई उस दिन तो कोई बात नहीं। हाँ वो तो बात है। और हमारा राखी से भी स्पेशल होता है कर्मा, हमारा यहाँ इसीलिए उतना राखी को ये नहीं देते है, लेकिन कर्मा को बहुत ज्यादा इधर माना जाता है हमारा, मतलब स्पेशल। हाँ तो वही स्पेशल भाई बहन का हम लोग का पर्व होता है, तो यही चीज है। तो कोई कोई ऐसे मत बोलेगा कोई राखी नहीं बांधा तो बोलेगा वो क्यों नहीं बांधा, ये नहीं क्यों बांधा, मतलब वो मायने नहीं करता है। लेकिन दीदी सावित्री दी है वो शुरू से बांधने मतलब उसका लगा हुआ है तो वो मानती है तो मानती है। एक रुपया वाला राखी मिलता ना यहाँ पर थोड़ा फुदनू जैसा रहता था ठीक है, तो पंडित लोग जो हमारे बगल में है ना चाचा लोग, वो लोग घर में बहुत ज्यादा था, मैं एक ले लेती थी और वो आके भाई को बांधती थी।
बस ऐसे ही है, बाकी बाकी दीदी लोग नहीं करती थी, इसका मतलब ये वो लोग स्पेशल कर्मा मनाते हैं हमारे लिए। स्पेशल मत, स्पेशल 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 हां स्पेशल स्पेशल बोले तो दीदी लोग को मैं हमेशा, क्योंकि मेरे पास उस तरह एक रुपए पैसा नहीं है। दीदी लोग को भी बोला भी नहीं है कि तुमको चाहिए वो चाहिए कुछ करके, डिमांड मैं हमेशा बोलता था कि मैं जब कमाऊंगा तो तुम लोग सब करूंगा। सच में इतना बड़ा परिवार को आज दे ही रहा है, रक्षाबंधन के दिन इसके पास कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि आज जो हमारा घर जोड़ा है, आज इतना बड़ा बना है, वो सब इसकी बदौलत। बाकी आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है। तो चलो दोस्तों आज का वीडियो यही एंड करते हैं, बाकी आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में देखेगी हमारे इधर के दीदी का। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।